आज का जो टॉपिक है तुम्हारा ब्रंजकों का क्या है सरलीकरण, ठीक है ना। अच्छा उसके ही अकॉर्डिंग जो हम तुम्हें पहला बताएंगे, इसमें एक नियम पढ़ना होगा आपको, बोर्ड मास। क्या पढ़ना होगा? बोर्ड मास। हालांकि मैंने कई बार आपको पढ़ा भी दिया है बोर्ड मास, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट यहाँ पर देखो, हम लिखते थे बोर्ड मास को कुछ इस प्रकार से। यस सर। अच्छा बी फोर क्या होता है? ब्रैकेट। उसके बाद ओ फोर ओ डी फोर डिवाइड डिवीजन। क्या बोल रहे हो भैया? डिवीजन। उसके बाद एम फोर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो ए फोर होता है आपका एडिशन। उसके बाद अगर बात करते हैं हम सब्ट्रैक्ट शव ट्रैक्शन, इस प्रकार से ये हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इनकी चिन्ह की बात करूं, अच्छा जो ब्रैकेट होते हैं ये होते कितने प्रकार के भैया? तीन प्रकार के। एक तो आता है आपका बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद आपका कौन सा होगा? छोटा ब्रैकेट। अच्छा ऑफ को अगर मैं लिख लूँ तो भैया हिंदी में क्या लिखेंगे? का, ठीक है ना। और का को चेंज क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अच्छा डिवीजन यानी भाग। अच्छा एक मिनट पहले इसको हिंदी में लिख दूँ, ठीक है ना। इसको लिखते हैं कोष्ठक, और इसको लिखते हैं का, और इसको लिखते हैं क्या भैया? भाग लिख देंगे भाग, और इसको लिख देंगे गुणा, और इसको लिख देंगे जोड़ना जोड़, या फिर या योग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? योग। इसको घटाना या घटाना या फिर घटा। इतनी बात आई समझ में भैया? चिन्ह की बात करें तो भैया ये तो आपके ब्रैकेट हो गए इतने प्रकार के, डिवीजन यानी भाग इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद गुणा का अच्छे से आपको चिन्ह पता ही है ये होता। उसके बाद जोड़ योग इस प्रकार से, और सब्ट्रैक्ट इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? आई इतनी बात समझ में? उसके बाद अब करते क्या हैं, मैंने तुम्हें कई बार बताया भी है इसके नियमों किस प्रकार समझते हैं, यहाँ पर किस प्रकार समझते हैं हम। मान लिया हमारा एक दोस्त है जो कि जेल के अंदर है, ठीक है। अच्छा ये इसके लॉक लगे हुए हैं इस प्रकार से ये। अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा लॉक को तोड़ेगा? छोटा। अच्छा लोग के नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है पहले यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, ठीक है छोटा कोष्ठक। इसका नाम होता है मंझला, मंझला कोष्ठक। उसके बाद इसका नाम क्या होगा भैया? बड़ा। किसकी बात समझ में नहीं आई? ये बात समझ में आई? अब करना क्या है इसको समझो भैया। एक लड़का इस प्रकार से बंद है, किसमें? इसमें क्या बोलेंगे? एक प्रकार से जेल मान लो। जेल में भैया ये आपके छोटा लोग है, ये मंझला लोग है, और ये आपका सबसे बड़ा वाला लोग है। अब बताओ सबसे पहले वो कौन सा लोग तोड़ेगा? सबसे छोटा लोग आपको तोड़ेगा, यानी सबसे पहले बात करिए अगर ये लोग तोड़ेगा तो इस प्रकार से यहाँ से निकल के कौन सा वाले में आएगा? इस बार मंझला और बड़े। उसके बाद अगर ये फिर से तोड़े तो ये कौन सा पूछ जाएगा? इस बार बड़ा। और बड़े को भी तोड़ दे तो ये फिर काम बचेगा आपका? ये बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कहने का मतलब ये है सबसे पहले अगर ब्रैकेट हमको मिलेगा तो कौन सा चेंज होगा आपका? पहले इसे छोटे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला, फिर बड़ा। इससे पहले भी ये काम का आता अगर मैं बात करूँ, इससे पहले एक होता है आपके पास बार, ठीक है बार। यानी सबसे पहले किसको चेंज करेंगे आप, किसको सॉल्व करोगे? बार को। बार से आप छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद बार। आई बात समझ में? अगर मैं चिन्ह की बात करूँ, चिन्ह की, अच्छा सबसे पहले किसको किसको आप सॉल्व करोगे? बार को। उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और सबसे लास्ट में आप घटा का इस्तेमाल करोगे। आई बात समझ में? नहीं है। आगे सबकी बात समझ में? ठीक है। अब देखो
अगर तुम्हारे समझ में ऐसे नहीं आ रहा तो ट्रिक समझो। सबसे पहले उसने लॉक तोड़ा, कौन सा? छोटा। उसके बाद कौन सा लॉक तोड़ा? महिंदा। उसके बाद बड़ा। और जैसे ही बड़ा लॉक तोड़ेगा वो क्या करेगा? भागेगा। भागेगा मतलब यानी भाग, क्या करेगा भैया? भाग जाएगा यानी भागेगा, बहुत तेज से भागेगा। और भागेगा ये बताओ, अगर भागेगा तो इसके पीछे कौन भागेगा? पुलिस। तो उसे क्या कहते, क्या भागना पड़ेगा? बहुत कई गुना भागना पड़ेगा। कई गुना, गुना का मतलब है गुना, कई गुना भागना पड़ेगा, कई गुना भागना पड़ेगा, ठीक है ना। और भागते भागते उसे अपना कौन देखना पड़ेगा? एक जोड़ा पकड़ना पड़ेगा, जोड़ा यानी जोड़ना, जोड़ा पकड़ेगा। जोड़ा क्यों भैया? जब थक जावे तो दूसरा हाथ पकड़ के और तेज से भाग गए तो जोड़ा ही पकड़ना पड़ेगा। और जब जोड़ा जब नभागा जानेगा तो उसे वो घटा देगा, यानी घटा देगा यानी हटा देगा, घटा देगा, घटाना। ये बात बस ठीक से आई है नहीं? घटाना आई बात नहीं? पहला छोट, पहला बार, ठीक है, बार के बाद छोटा भी आ गया। उसके बाद महिला, महिला के बाद बड़ा लोग तोड़ेगा। जैसे ही लोग तोड़ेगा बहुत तेज से क्या करेगा? भागेगा। अब भागेगा कितना? कई गुना तेज भागेगा, गुना, ठीक है। फिर जोड़े के साथ भागेगा, अगर जोड़ा गिर गया तो उसे घटा यानी छोड़ के भाग जाए। तो सबसे बाद में क्या भैया? घटाना। ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। आ गई? अच्छा, अब जो आपने पढ़ाए हैं सरलीकरण के कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र बताता हूँ मैं। जब सरलीकरण के आप सूत्र देखोगे तो ए प्लस बी का वर्ग यानी ए प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है इसका भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। अच्छा, बात करते हैं आपकी। अच्छा, इसको और प्रकार से भी लिख सकते हैं? हाँ भैया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं हम घटाने की, तो ए माइनस बी की बात अगर हम करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, या फिर बोल सकते हैं इसको, या लिखो, क्या लिख सकते हैं भैया? ए स्क्वायर माइनस के टू ए बी और प्लस के वी स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद एक और फॉर्मूला है आपका, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस वी। जी हाँ, इतनी बात किसके समझ में नहीं आई ये बताओ। आ गई? नोट कर लेते हैं इसको। अच्छा भैया, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है ना। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। पहली बात करते ए प्लस बी की घात दो का, क्या बताया था अभी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वी स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये हमारा आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी की पावर टू, ठीक है ना। अब हम इससे ये बनाना सीखेंगे ये कैसा आया हुआ, ठीक है ना। अच्छा, तो कैसा आया था भैया? जिसकी घात दो है, अब एक बात बताओ, तीन की पावर दो हो तो हम क्या करते हैं? तीन गुणा तीन, ठीक है। चार की पावर दो होता है तो चार गुणा चार, एक की पावर दो होता है तो एक गुणा एक, इसी प्रकार से लिखते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी गुणा करो भैया ए प्लस बी। इतनी बात किसकी समझ में नहीं है ये बताओ, आई थी बात समझ में? अच्छा, ए की गुणा यहाँ पर करना जरा, तो क्या हो गया आपका? ए की पावर टू, क्योंकि दो ए है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ए की पावर टू। अब करते क्या है, ए की गुणा आप करोगे बी से तो आप आएगा ए बी प्लस। अब बी की गुणा ऐसे करते तो याद रखना, बी की गुणा चाहे ए से करो चाहे ए की गुणा बी से करो, ए बी ही आपका आना है ए बी। अब बी की गुणा आप बी से करते हो तो क्या आ जाएगा? बी की घात दो। ये बात किसकी समझ में अभी तक नहीं आई ये बताओ, आई? अच्छा, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, कितने ए बी हो गए भी आपके? दो ए बी या टू ए बी और बी स्क्वायर। देखो चेक करो बन गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे अगर पीछे लिखना चाहो तो इसे आगे लिख दो तो बन जाएगा,
बना सकते सही फॉर्मूले। अच्छा दूसरी बात करें तो a माइनस बी की पावर 2 क्या होता, a माइनस बी की पावर 2 यानी यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर या क्या लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपका यहाँ पर आता है, क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। एक फॉर्मूला आता है आपका ए प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला आपका होगा, ठीक है इसको याद करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 2bc और माइनस के 2ca। उसके बाद आता है आपका a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला, क्या लिखते हैं भैया इसको लिखना आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2bc माइनस के 2ca, ठीक है ये आपको ये याद करने होंगे, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हम लिखवाते हैं आपको कौन सा a माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस के 2ca। इतनी बात आई आपके समझ में। अच्छा उसके बाद एक बार फॉर्मूला आता है a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला, क्या लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये आपका आता है ब्रैकेट में a प्लस बी। उसके बाद a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला a क्यूब माइनस यहाँ पर माइनस आता है माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस बी। इसी प्रकार से a की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला होगा a माइनस बी और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस के ab और प्लस के बी स्क्वायर। अच्छा a की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला होगा आपका a प्लस बी यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके फॉर्मूले, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले समझ लेते हैं पहला फॉर्मूला, ये समझ में आया इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल देंगे, निकाल के दिखाऊँ। अच्छा यहाँ पर पहले निकाल के हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से निकाल दें a माइनस बी को, a माइनस बी हमने दो प्रकार से लिया, ठीक है a की a से गुणा करो क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर, a की बी से करो तो माइनस के ए बी आएगा, ये माइनस के क्यों आया ये प्लस है माइनस तो प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद ये माइनस ये प्लस तो क्या होगा तब भी a माइनस के ए बी, ये माइनस 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 क्या होता है आपका प्लस प्लस के बी स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर चैप्टर में यही होगा, यही होगा यही है, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ये बेटे माइनस माइनस मैंने बताया ना माइनस, अच्छा देखो माइनस 2 है गुणा माइनस के 3 करोगे ना तो माइनस से माइनस आपको कट जाता है और प्लस के वो क्या जाएगा 6 जाएगा। इसी प्रकार से माइनस के 1 गुणा अगर तुम माइनस के a से करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा वो भी प्लस के। इसी प्रकार से माइनस के बी से जब आपकी गुणा होगी तो भैया प्लस के बी आएगा माइनस से माइनस आपको कट जाएगा। अब आई बात समझ में, इसी प्रकार से यहाँ माइनस के बी था और यहाँ माइनस के बी था तो माइनस के माइनस से गुणा होगी तो प्लस के बी स्क्वायर जाएगा। अब आई बात समझ में। अच्छा भैया यहाँ समझो केवल एक फॉर्मूला याद करो नीचे के 3 जो हैं ऑटोमेटिक आपके याद जाएंगे, एक बार यहाँ पर ध्यान से समझ लो सब प्लस में हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसके बाद 2ab 2bc 2ca
देखो अगर यहाँ पर माइनस है, माइनस किसका आगे है, यहाँ देखो माइनस किसका आगे है, सी के। अब जहां जहां सी आ रहा हो केवल वहीं माइनस होगा। देखो इन्हें छोड़ के सी यहाँ पर आ रहा और यहाँ पर आ रहा, चेक करो इन दोनों में ये क्या माइनस, और किसी में तो नहीं है। उसके बाद यहाँ माइनस किस किसका आ रहा है, सी के और बी के। जब दो माइनस एक साथ आते हैं समझ लो ये वाले, ये दोनों प्लस रहेंगे जब एक साथ आएंगे, वरना सब माइनस रहेंगे। देखो एक साथ आए बी सी प्लस हो गया, ये माइनस और ये भी आपका माइनस। अच्छा इसमें कौन माइनस में है, बी, तो जहां जहां बी आया होगा वही माइनस होगा। देखो यहाँ पर भी आया माइनस, यहाँ पर भी आया ये भी माइनस। बाकी ये फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको याद करना होगा, कर सकते हैं ना याद, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो भैया, अब क्या है घातांक संबंधी, क्या लिखेंगे, घातांक संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र। अच्छा क्या आता, अब अगर आपने सुना होगा भैया, यहाँ ए की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n है, ध्यान से सुनो। देखो a की पावर m बीच में गुणा हो और a की पावर n हो, ठीक है, तो क्या लिखते हैं भैया, देखो घात में अगर घात आपकी, देखो अगर a की पावर m है, a की पावर n है, तो क्या होता है घात क्या होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर m प्लस n आपका ये हो जाता। बात आइसन में नहीं है आगे भैया, तो जल्दी से बताओ, अगर मैंने लिख दिया a की पावर 2 और a की पावर 3, तो क्या होगा आपका आंसर, a की पावर 5, क्योंकि गुणा में घातें आपकी जुड़ जाती है, ठीक है। अच्छा तो जब गुणा में जुड़ जाती है तो भाग में क्या होगी, घट जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, a की पावर m माइनस n आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, a की पावर n m माइनस n, ठीक है। एक फॉर्मूला जो आपका होगा ये होता है, अगर a की पावर 0 हो या किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका मान क्या आएगा आपका, एक आएगा। ये बात आप याद रखो, क्या आएगा उसका मान, एक आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भैया आपको, समझ में आ गई। एक चीज आपकी होती है अगर a की पावर m और ब्रैकेट में है n, तो भैया इसे हम a की पावर m n लिख सकते हैं, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो भैया नोट करो जल्दी से। अब देखते हैं गाइस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 84326 के गुणा आपको 999 से करनी है, ठीक है ना। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया हम इसको इस प्रकार से करते हैं, 84326 की गुणा 999 इस प्रकार से करेंगे, लेकिन होता क्या है अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो काफ़ी टाइम आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, जबकि वहाँ पर आपको कम समय में आंसर लाना है, ठीक है ना। तो 84326 की गुणा जब हम 999 में करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से ना करके इस प्रकार से करें कि 999 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे भैया 1000 से तो ये एक कम है इस प्रकार से। अब करते क्या है, इसकी गुणा आपको इससे करनी है, तो 84326 के बाद 3 जीरो लगाइएगा और माइनस माइनस कर देना आपको 84326, ठीक है ना। इसमें से ये घटा दो भैया, आपका जो जो भी आंसर होगा वो मैच कर लेना, ठीक है, ये घटाना है तो इसका मतलब आप इसको इस प्रकार से घटा सकते हैं और ये 3 जीरो लगे और ये आप हो जाएगा 300 जी। अब इसको आप घटा लीजिएगा गाइस, ये आएंगे 4, 7 और 6 और 5 में से 4 गए 1 और ये आपके 4, 2 इस प्रकार से। अब देखें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका भैया मेरे हिसाब से दूसरा एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी नोट करने का अच्छे से। अब देखते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिएगा, एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं आपके लिए। गुणा करनी है आपको 637 प्लस फिर से यही आना है गुणा 300।
जब भी ऐसे गुणा करनी होगी तो अब तक क्या करते आए हैं, पहले इसकी इससे गुणा, फिर इसकी इससे गुणा, फिर उसको हम जोड़ते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसे नहीं करना, सबसे पहले देखते हैं कॉमन आ रहा है भैया। तो आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ है ये इधर भी, ठीक है, इसका मतलब बीच में प्लस का चिन्ह क्या भैया, कॉमन है। जी हाँ, ये भैया आपको क्या देता है, कॉमन आ जाता है। तो 13,457 आपका कॉमन, तो 637 प्लस 363 आपको पहुंच जाता है अंदर। अच्छा, अब करते क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 3 10 का 0, 6 3 9 10 का 0, 8 1 और 6 3 9 10, ये हो जाता है आपका 1000। अब गुणा जब करते हो तो इसके पीछे आप 3 0 लगा दीजिएगा, यही आपको हो जाता है करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है भैया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते क्या है, व्यंजक ये दे रखा है, इनमें से निम्न में से किसके बराबर है, ठीक है, इसके इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप। 3 × 4 − 3/1/2, ठीक है, और भाग में क्या है भैया आपके 3 है, ठीक है ना। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, मुझे गलती सी लग रही है, एक मिनट। हाँ भैया, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है, और भाग है आपके यहाँ पर 2। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए 3 × 4 = 12, 12 − 3/1/2। जब भी भाग को आपको गुणा में लिखना होगा तो क्या करेंगे भैया, इसका हम उल्टा कर देते हैं, गुणा में लगा देते हैं 6, ठीक है ना। अब करते क्या है, 12 में से 3 के कितने बचे आपके, 9/1/4, 4 आपको जाएगा ऊपर, ठीक है, तो 9 × 4, 9 × 4 = 9 भैया आपके 36। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। तो एक बार भैया इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ये आपका 5 × 10 + 3/2 + 10 + 4, ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5 × 10 = 50, 3 का वर्ग आप सभी जानते हैं 9 होता है, प्लस 10 × 10 + 4, अच्छा 9 × 10 = 90 + 4, 90 और 50 = 140 और 4 = 144, आपका इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 13/4 भाग का चिन्ह आपका 5/2 का 15/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से आपको बता रखा है कि का को हटाओ, कौन सा चिन्ह लगाओ भैया, गुणा का चिन्ह, ठीक। अब भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जब भी हम भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 2/5 = 15/2, इस प्रकार से। अब आप कहते क्या हो, 2 से 2 आपको कर देता है, 5 × 5 = 5 × 15, यानी आपको जो बचता है ये बचता है 13 × 4 = 3/1, 13 × 39 = 4, तो 39/4 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो गाइस, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और आप भैया नोट कर लें। अच्छा, अब बताइए क्लास आपको कैसी लगी भैया, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और लगता है आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। भैया क्वेश्चन 5 तक मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करवा दिया है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल को देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।